हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है। मैं आज ना थोड़ा सा इमोशनल हूँ। मैं भी देख रही थी, यहाँ पे आज है 7 अप्रैल और बातें जरूर सुनना। पहले तो मतलब रो ली थोड़ी देर ऐसे ही, और फिर मैं कहा चलो अब कैमरा ऑन करते हैं। सोच रही थी कि ये देखो कंप्लीट ये उखा यहाँ नहीं बनाऊंगी मैं उपले, और हाँ एक क्वेश्चन का आंसर दे लूँ मैं, फिर बातें करते हैं। ये जो नीचे ये है ना टोका, अंदर पता क्यों नहीं लगवाया मैंने, अंदर डर रहता है इसका। इसमें पटे वाला है और ये खुलने खालने का डर रहता है इसका, और अंदर फिर फीड के लिए मंदिर भी है, एक साइड घास आएगा। और तो यहाँ पे ना हम बाहर एक शेड बनाएंगे इसके लिए, टीन के पत्ते, तो इस जो क्या बोलते हैं चादर, वो तो है हमारे पास, वो देखो साथ में परे पड़ी हुई है। तो चार एंगल देके वो लकड़ी के, और ऊपर से चादर डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे चारों तरफ से, फिर बारिश में मोटर खराब नहीं होगी हमारी, है ना। हाँ, तो आज से एक साल नहीं पीछे, हाँ आगे बरसात के टाइम में लगा था काम हमारा। तो आप लोगों ने मैंने मैंने एक सपना देखा था कि ऐसा ऐसे होगा, राज्य कंप्लीट समझो, बस सब सफाई है यहाँ पे करने को। और जो घर का है वो अपना सपना नहीं था कि मैं घर भी बनाऊंगी, लेकिन हाँ कंडीशन को देखते हुए, देख मतलब क्या क्या हो, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से वो हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है। अभी करेंगे, देखते हैं या कब करेंगे, जो भी है। लेकिन जो मेरा मेन था इसका, अपने काउशेड का और अपने बाउंड्री का, ये देखो आज बहुत सुंदर लग रही है, यहाँ पे बैठी हूँ मैं, और वो सामने गांव है। तो अभी यहाँ बैठ के सोच रही थी ना, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप सभी लोगों का ना बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आपका। और माता रानी आपको बहुत सारी खुशियां दे, जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं, और आज एक साल हो गया। हाँ, मैंने कुछ दिन बाद बताया था कि मेरा ऐसा ऐसा सपना है, तो मैंने कुछ दिन बाद बताया था। तो आप लोगों की वो मेहनत ही बोल लो कि आप ही अपना नेट खर्च करके जो है मेरा वीडियो देखते रहे, और मैं वीडियो बनाती रही, और दिल से शुक्रिया सभी लोगों का। सच में भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो आंसू है ना, ये खुशी के आंसू हैं, सच्ची में ये खुशी के आंसू हैं, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हो गया है। जो मैंने कभी एक वो देखा था ना एक सपना, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इतना अच्छा गेट लगा, इतनी सारी मतलब वो जाली लगी, अंदर से बहुत बहुत बोर आया। मैं और भी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने नाम लेने को मना करा था, लेकिन दिल से शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान जितनी खुश, मैं खुश हूँ, सच्ची में खुश हूँ, ये वो खुशी के आंसू हैं। और आप लोग बोलेंगे ये कैसी खुशी है ना, ये कैसी खुशी है जो मतलब रो के दिखा रही है। सॉरी, मैं कभी रोती नहीं, बहुत बुरी बुरी परिस्थितियाँ आई, बहुत मैंने कभी बताया नहीं, कभी सुनाया नहीं यहाँ पे कि क्या है। खैर, हेट कमेंट भी बहुत ज़्यादा आए, नफरत करने वाले भी आए, मैंने उनको भी कभी बुरा नहीं बोला। हाँ, एक दो बार जवाब ज़रूर दिया, एक दो बार के काफ़ी बार, लेकिन जो मुझे चाहते हैं ना आप लोग, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा किया, मेरी खुशियों में शामिल रहे मेरे हर कदम पे, थैंक यू। बहुत छोटा सा शब्द है उसके लिए, बहुत छोटा सा। अभी मेरी एक दीदी हैं, कुछ ऐसे हैं लोग जिनसे मैं बात भी करती हूँ, अब वो मेरे को डांटेंगे कि ये क्या है, वहाँ पे क्यों रो रही थी, और मुझे पता है वो समझ आएंगे क्योंकि वो डांटेंगे इसलिए, वो आप लोगों की तरह, चलो जो मेरे से बात नहीं कर पाते, आप भी बहुत हर्ट होते हो कि इसमें वो खुशी के मौके पे रोना नहीं चाहिए, लेकिन बस भगवान से ही प्रार्थना है कि
अपने लिए भी और सबके लिए बात कहूंगी कि जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, जमीन पे रहना चाहिए। ये होने वाले काम है, करने वाले, ये सब पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है, थोड़े दिनों की ये चहल पहल होती है। खैर आज ऐसी बातें नहीं करेंगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरी गायें बहुत खुश हैं, आराम से सोती हैं, हर वो चीज़ ले ली, दिलवाई मुझे, मैंने खुद किया, खुद नहीं मैं बोलूँगी, मैं शब्द ठीक नहीं होता, मुझे पता है, भगवान ने, मेरी माता रानी ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है कि, और आप लोगों ने, सिर्फ माता ने और आप लोगों ने, कि मतलब, तो बस यही, मुझे भरोसा है मेरी महामाई मुझे आगे भी कभी नहीं हारने देगी। अपना रास्ता साफ रखना चाहिए और हमेशा ईमानदारी, वो कहते हैं ना सबसे उत्तम नीति है ईमानदारी की। और ये देखो आज हमारी गाय अंदर, अब रोज ही दिखाती रहूँगी मैं, और अभी बस यहाँ पे साफ सफाई का काम रह गया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। और तो मैंने कैमरा पॉज पॉज करके जो खुद को वो किया, कसम से रोना नहीं चाहती थी, मेरा मकसद रोने का बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपको रोक, अब क्या रोना रोना होता है शुरू में कि कैसे होगा नहीं होगा, अब तो हो गया, कंप्लीट हो गया, मैं बहुत खुश हूँ सच्ची में। और बहुत मुश्किलें आई, बहुत वो मतलब बार बार आ रहा है यार, रोना पता नहीं क्यों आ रहा है आज, आपकी मधु को रोना पता नहीं क्यों आ रहा है सच्ची में। बस चले गए भैया, और एक दिन का काम उनका ये है कि लास्ट में वो टोके के लिए जगह बनाने आएंगे, अभी ना टोके के लिए जगह बनाएंगे हम यहाँ पे, तो अभी उनको जाना है, बीच में आएंगे कभी। बाकी अभी हमारा रह गया साफ सफाई का, और इस वाले कमरे में जो घास का स्टोर है इस वाले में वो रह गई, अब नहीं, अब तो मतलब मोटा काम खत्म हो गया। इस वाले कमरे में वो प्लस्तर रह गया करने को, ये वाला जो रूम है ना ये वाला, और अब साफ सफाई जगह जगह सामान पड़ा है, इसके लिए इसके हम खुद करेंगे, और पेंट रह गया ये भी नॉर्मल है। तो बस आई थी मन में कुछ ऐसे कि आप लोगों के साथ बैठूं, आप लोगों के साथ थोड़ी देर बैठ के बातें करूं, तो चलते 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 चलती भागते ही रहती हूँ, भागते ही बातें करती रहती हूँ, तो इसमें अच्छा लग रहा है वैसे, है ना। चलो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, और सभी लोग बहुत अच्छे हैं मुझे इतना पता है, मेरे ना अपने और लोग भी बोलते हैं मुझे कि जो आपके जो आपको देखते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। और बस ऐसे ही आप लोग भी रहिएगा, मुझे भी आप ऐसे ही पाओगे, पता है कुछ नहीं ले जाना यहाँ से, और ये सब कुछ जो कर रहे हैं ना ये हमारा कर्म है, और हमें अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बाकी अगर ऐसा लगे सोचने कि मर तो जाना है क्यों करना, ऐसा कुछ नहीं है, मर जाना है तो क्या मतलब खाना पीना छोड़ दे, ये तो पता है मर तो जाना ही है, तो फिर आगे का वेट क्यों करना, अभी जो मर जाए, ऐसा नहीं होता, जब तक जिंदगी है हमें कर्म करना पड़ेगा। हम बना रहे हैं, पता नहीं कौन इसको यूज़ करेगा, अभी तो हम ही यूज़ करेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे बुजुर्ग जो करके गए थे वो हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ये चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। बस ये कि अपने अच्छे कर्म करते रहो, भगवान का नाम ज़रूर लेना, वो बहुत से बड़ी से, मैंने प्रैक्टिकल देख लिया, मैंने प्रैक्टिकल देख लिया, भगवान बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पार कर देते, मतलब से निकाल देते हैं, जो मर्जी हो लेकिन उनका नाम ज़रूर लेना, और एक ज़िंदगी मिलेगी दोबारा। आरती ब्लॉग करके एक चैनल है, तो उसका उनका जो हस्बैंड है उनको वो बीमार है, काफ़ी ऐसे लोग हैं, भगवान से मैं उनके लिए हमेशा दुआ करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और उनको जल्दी ठीक कर दें। और एक अंजू हैं बॉम्बे से, उनके भाई को कोरोना पॉजिटिव आए हों, तबीयत बहुत ख़राब है, तो हे माता रानी उन भैया को, उनको जिनको भी है उनको जल्दी ठीक कर दें, जिन जिनको भी ये चीज़ें बहुत गंदी बहुत ख़राब चीज़ें बोलते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है इसमें, तो भगवान उनको ठीक कर दें। और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और जो भी आसपास के लोग हैं या जो भी, जैसे हम बोल मास्क का और सैनिटाइज़र हर चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और एक राधा डांगर, राधा राधा नाम के एक लड़की है हमारी बहन, तो उनको भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव आई थी, तो वो अभी काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक है वो बोल रही थी, मैंने किसी के कमेंट में, शुक्ला के कमेंट बॉक्स में पढ़ा था उनका कमेंट, किया मैं ठीक हूँ,
तो आप अपना ध्यान रखिएगा, भगवान आपको जल्दी ठीक कर दे। राधा बहन और अंजू दीदी, अंजू के भाई बॉम्बे से अंजू, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो माता रानी सबके दुख हर लेना, और आप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिले। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। बस आज मन था कि आपके साथ बातें करूँगी, अभी तो बातें बहुत करे किया करूँगी, लेकिन आज जो रोने वाला था ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अलग से हो गया था। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी, टेक केयर और लव यू ऑल, जय माता दी।